महापार कार्तिकेय के जन्म के पश्चात उन्हें कृतिकाओं से उनके माता पिता अर्थात महादेव एवं माता पार्वती के बारे में ज्ञात हुआ। आप सभी ने सस्नेह मेरा पालन पोषण किया, इस नाते आप सभी मेरी माताएं हैं। तो कहिए माता, मैं किस प्रकार आपका ये ऋण चुका? पुत्र, हमें माँ कहकर संबोधित किया है तुमने, इसी सौभाग्य ने हमें धन्य कर दिया है। किंतु पुत्र, तुम्हारा मूल निवास यहाँ नहीं कैलाश है। हमने तुम्हारा पालन पोषण अवश्य किया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता महादेव और माता पार्वती हैं। जाओ पुत्र, अब तुम कैलाश जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी माता बड़ी अधीरता से तुम्हारी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। महादेव, माता पार्वती, कदाचित कृतिका देवियां कुमार का पग प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अब तक कुमार में महायोद्धा होने की कोई भी योग्यता हमें दिखाई नहीं दी। किंतु एक बार बस वो महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश लौटा है, उसके पश्चात उन्हें तारकासुर का वध करने की वो संपूर्ण दक्षता भी प्राप्त हो जाएगी। क्यों देवगण, उचित कह रहा हूं ना मैं? एक ओर जहां महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर भी युद्ध के लिए अपनी नई योजना बना चुका था। उपस्थित हूँ। ये छोटा मोटा असुर महादेव पुत्र का वध करेगा? कैसा अटपटा असुर है ये? हम सब पुनः पीछे छूट गए और दुष्ट एक मासूर हम सबसे पहले पहुंच गया। अब वो सर्वप्रथम महाराज तक पहुंचने का श्रेय स्वयं ले लेगा और हम सब मुंह ताकते रह जाएंगे। पीछे हटो ना, फिर मुझे आगे जाने दो, शीघ्र पहुंचना है मुझे महाराज तक। आगे बढ़ो अन्यथा मार से हटाओ। मैं जाऊंगा। सम्राट तारकासुर पंचा, ये है मेरे पंचा। मृत्युदाता पंचा,
विदूषक बनकर किसी का भी विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो अपनी माया से उसे अंतहीन मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। अट्टा सर, जो कार्य तुम नहीं संपन्न कर सके वो मेरे ये पंचा करेंगे, ये वत करेंगे उस महादेव पुत्र का। उस महादेव पुत्र का। माता, माता एक बार आप बाहर आके देख लीजिए, हमने जो सजावट की है वो उचित तो है। जी नंदी जी। आइए। दिए कहाँ है नंदी जी? माता गण अभी उन्हें भी उनके स्थान पर रख रहे हैं, देखिए। दिए पर्याप्त होने चाहिए नंदी जी, संपूर्ण कैलाश उनके प्रकाश से जगमगाता चाहिए मुझे। कैलाश का दीपक जो आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र कुशल तो है, उसे मार्ग मिल जाना चाहिए, कोई अवरोध नहीं आना चाहिए उसके मार्ग में। माता, क्या हुआ माता? मां बन चुकी हूं मैं, तो मेरा चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है। मैं तो बस अपने हृदय को यही विश्वास दिला रही हूं कि सब कुछ कुशल तो है ना, मेरे पुत्र के साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं होने जा रहा ना। अब खड़े क्यों हो? जाओ, महादेव पुत्र का अंत करके लौटो। चिंता के कारण अवश्य महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ये असुर जो अपने शरीर के अंग नहीं संभाल सकते, वो महादेव पुत्र का वध भला क्या करेंगे? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये वध करेंगे उन कुमार का? तनिक देखिए महाराज, ये सारे के सारे हंसी के पात्र हैं महाराज। पंचा, बड़े दीर्घ और कठिन यात्रा पर जा रहे हो तुम, तो इसलिए कुछ भोजन तो आवश्यक है ना? जी महाराज, हम आपके इस उत्तम विचार से सहमत हैं। हम सब यही सोच रहे थे, क्यों ना इस हास्यास्पद दुष्ट को अपना भोजन बना ले। मुझे अपना भोजन बनाएंगे? ये तो उचित है, कदाचित इसे तुम्हें लेकर जितने भी संशय हैं वो सब शांत हो जाए। क्षमा महाराज, मैं तो केवल इसलिए हंस रहा था कि ये सारे के सारे कितने हास्यास्पद लग रहे हैं महाराज। क्षमा, अरे इन्होंने तो घेर लिया मुझे।
विचित्र है, मायावी है, भयंकर है ये पंचासुर। महाराज मुझे मुक्त करा दीजिए। अरे छोड़ो, जाना था मुझे। और दुष्टता धूर्त भी है और मायावी भी, इनसे पार पाना तो किसी के लिए भी कठिन होगा, कदाचित महादेव पुत्र के लिए भी। इधर तारकासुर ने पंचासुर को विदा किया और उधर कुमार कार्तिकेय कैलाश की ओर बढ़ते हुए अपनी प्रथम चुनौती और परीक्षा का सामना करने वाले थे। ये वो परीक्षा थी जिससे ये निर्णय होने वाला था कि उनके सामर्थ्य को लेकर जो चिंता देवताओं को थी वो उचित थी अथवा नहीं। अर्थात कुमार कार्तिकेय के लिए जो प्रतीक्षा देवताओं ने की थी वो उचित थी अथवा नहीं। कैलाश अर्थात मेरे माता पिता, जगत पिता महादेव और जगत माता माता पार्वती का निवास स्थान। सब दोष तुम्हारा है मूर्ख। मुझे मूर्ख बोल रहा है? मुझे अपना दोष मुझ पर बन रहे हो? तुम्हारे कारण ही भटके हम। कौन है ये? चलो हटो, अधिक मत बोलो। भूल तुम्हारी है और भूख तुम मैं। अरे हम तुम्हारे ही कारण भटके हैं। रुक जाइए आप सभी। मछली जाल में फंस गई है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। अच्छा, ये है महादेव के पुत्र कुमार। कितने तेजस्वी हैं ये कुमार। इस बालक कुमार को तो अपने जाल में फंसाकर इसका अंत करना तो बहुत सरल कार्य है मेरे लिए। कौन है आप सभी और इस प्कार यहाँ कलह क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं। ये एकमासुर है, ये त्रियासुर है और वो दशरथ सुर है और ये छत्सर सुर है और मैं द्विधा सुर हूं। हम ये एक माह के कारण ना अपने मार्ग से भटक गए हैं। भटक गए? किंतु आप सभी जा कहां रहे थे? कैलाश और कहां? हम महान महादेव के दर्शन के इच्छुक हैं। इसी अभिलाषा को हृदय में धरकर कैलाश जा रहे हैं। ये यात्री पिताश्री के दर्शन करना चाहते हैं, तो इन्हें कैलाश ले जाना मेरा कर्तव्य है। आपकी समस्या का निवारण मैं किए देता हूँ। मैं भी कैलाश ही जा रहा हूँ, तो यदि आप सभी चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये कौन मूर्ख है और उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं कुमार? इंद्रदेव, कुमार शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंचने को आतुर हैं, किंतु मार्ग में वो भटके हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए रुक रहे हैं, तो आप उससे इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित मैं नहीं सूर्यदेव,
कुमार हो रहे हैं। प्रतीत होता है अकेले कठिन यात्रा करने के विचार से ही वो भय का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो किसी का साथ पाने के लिए आकांक्षी है। क्योंकि है तो वो सुकुमार किशोर ही ना। अरे वाह, नेकी, और वो भी पूछ पूछ। हमारी समस्या का हल तो हो गया, हमारा गंतव्य स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। आइए। वैसे क्या आप भी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं? दुविधा सर, ये तो मात्र एक सरल बालक ही है, इसको अपनी ही बातों में उलझा के रखना और अपना कार्य सरल हो जाएगा। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय? वो तो मुझे महादेव और माता पार्वती ही देंगे। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी महादेव और माता पार्वती से ही प्राप्त होगा। दिवंगत नहीं, स्वर्गवासी नहीं, हम वीरों द्वारा मारा गया। अब तो उन्हें ऐसा ही कोई नाम रखना पड़ेगा। माँ, पिताश्री, मैं आपके दर्शनों के लिए अत्यंत अधीर हूँ। कहाँ हो तुम? मेरे नेत्र कब से तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। शीघ्र आ जाओ पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये बालक तो जैसे कैलाश की ओर दौड़ रहा है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो करने का कदाचित यही उपयुक्त समय है। द्वारा भेजे गए उनके पंचासुरों ने महादेव पुत्र कुमार को चारों ओर से घेर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप सभी? ये क्या, इन असुरों ने तो कुमार को बंदी बना लिया। कौन है ये मायावी और कैसा छल है ये? मुझे तो इतने अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कैसा अप्रिय आभास हो रहा है मुझे, जैसे मेरी श्वास ही बाधित हो रही है। मेरा पुत्र अवश्य किसी संकट में है। नाथ, आज हमारा पुत्र संकट में,
माँ की ही अंतर्दृष्टि इतनी सशक्त होती है कि दूर होकर भी उसे उसकी संतान पर आए संकट का भान हो जाता है और उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। ब्राह्मण देवता, आपके नेत्र नम क्यों हो गए? कितना अद्भुत स्नेह संबंध होता है ना, एक माता और पुत्र का। माता पार्वती की तो उनके पुत्र से भेंट तक नहीं हुई थी, किंतु जैसे ही कुमार पर संकट छाए, माता को उसका आभास हो गया। हाँ, संतान के प्रति माता का अनुपम प्रेम तो संपूर्ण प्रकृति में सबसे अनूठा है। उन पंचा असुरों ने कुमार कार्तिकेय को वहीं रखा जहां वो चाहते थे, अपने बंधन में। किंतु माता पार्वती और महादेव भी इस घटना से अनभिज्ञ नहीं थे। तब तो अवश्य महादेव का क्रोध जागृत हुआ होगा। वो चाहते तो अपनी क्रोधाग्नि से क्षण भर में पंचा असुरों को भस्म कर देते, है ना ब्राह्मण देवता? तो फिर क्या किया महादेव ने? कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर महादेव पुत्र ने अपनी रक्षा कैसे की ब्राह्मण देवता? मुझे ज्ञात है पार्वती, तारकासुर के असुरों ने हमारे पुत्र को अपने बंधन में बांध लिया है। आप शीघ्र जाकर कुछ कीजिए, अन्यथा मैं स्वयं जाकर उसकी रक्षा करूंगी। कितनी बार रक्षा करेंगी आप उसकी? हाँ? ये कैसा प्रश्न? माँ हूं मैं उसकी, मैं उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूं। प्रिय, यदि आप उसकी रक्षा करती रहेंगी तो स्वयं अपनी रक्षा करना कैसे सीखेगा? आप उसकी दुर्बलता नहीं उसका बल बनिए प्रिय, क्योंकि आपको भी ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना सक्षम है। तो क्या ये उचित है कि हम ऐसे ही बैठे रहें, कुछ भी ना करें, ये ज्ञात होते हुए कि हमारा पुत्र संकट में? नहीं ना, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। आप शक्ति हैं, आप जगत जननी हैं, और अब एक माँ भी। जैसे आपको ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना शक्तिशाली है, वैसे ही आपको ये ज्ञात नहीं कि एक माँ का हृदय कितना कठोर हो सकता है। ये परीक्षा है पार्वती, एक माँ की और हमारे पुत्र की। क्या हो रहा है ये, और कैसा छल है ये? कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? कितने दुख की बात है कुमार, अभी जन्म हुआ और अभी अंत होगा। मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मैं तो तुमसे परिचित भी नहीं हूं। किंतु हम परिचित हैं तुमसे, और इतना ही हमारा परिचय पर्याप्त है। हम काल हैं तुम्हारे, हमारी गुफा को भेद कर बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त है हमें। पंचासुर है हम पांचों की इस गुफा में बंदी, कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है?
नहीं, ये नहीं हो सकता। कुमार को शीघ्र ही गुफा से बाहर आने का कोई उपाय ढूंढना होगा। शांत हो जाइए पार्वती, शांत हो जाइए। अपनी अधीरता का परित्याग कर अपने भीतर विश्वास जागृत कीजिए। हमारा पुत्र स्वयं उस मायावी गुफा से बाहर आकर अपनी अपार सामर्थ्य का प्रमाण देगा। कुछ तो उपाय अवश्य होगा इस गुफा से बाहर निकलने का, मुझे शीघ्रता करनी होगी। उचित है, तुम्हारा नेत्र बंद करना ही उचित है, क्योंकि अत्यंत भयंकर होती है मृत्यु, और तुम ठहरे नीरे कोमल हृदय बालक। मृत्यु दर्शन बहुत कष्टदायी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा अंत निश्चित है कुमार, क्योंकि हम पंचासुरों को मिला वरदान निरर्थक नहीं हो सकता, और हम पंचासुर जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी। जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? पांच असुर। किंतु तुम पांच कहां हो? तुम तो चार ही हो। मूर्ख कुमार, हम पांच ही हैं। नहीं नहीं, असत्य कह रहे हो तुम, मिथ्या है तुम्हारे वचन। तुम तो चार ही हो। हम मिथ्या कह रहे हैं? क्यों कहेंगे हम मिथ्या? असत्य तो तुम कह रहे हो, और सत्य ये है कि हम चार नहीं पांच हैं, पांच। मिथ्या वचन कहने वाले असुरों का तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। मुझे ज्ञात है, मैंने गिना था तुम्हें, तुम चार ही हो। अन्यथा प्रमाणित करो अपनी संख्या। मूर्ख बालक, हमें मिथ्यावादी बुला रहे हो तुम? चलो तो हम अभी प्रमाणित करते हैं कि हम चार नहीं पांच हैं। उसके उपरांत ही तुम्हारा वध करेंगे हम। लो, वरदान तो तुम पांचों को प्राप्त हुआ था ना, किंतु अब तो मात्र चार ही रह गए हैं, और तुम चार एक साथ आकर गुफा का निर्माण नहीं कर सकते। आपने देखा इंद्रदेव, कुमार ने कितनी कुशलता से असुर का संहार किया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि इसी प्रकार वो तारकासुर का भी सर्वनाश करेंगे। अभी तो केवल एक ही तुच्छ असुर का अंत किया है कुमार ने, अभी भी चार असुर शेष हैं।
जो कि मुझे बहुत ही क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, जो अपने मृत मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है, जबकि कुमार के पास ना कोई शस्त्र और ना ही हमारी भांति कोई अनुभव। उचित कहा कुमार तुमने, हम चार गुफा का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम भी दिखाएंगे कि हम चार क्या कर सकते हैं। अब हम चार गुफा से भी भयंकर हो गए, तुम अपने बचाव के लिए क्या करोगे कुमार? नहीं है मेरे पुत्र के पास और उन असुरों के आठ हाथों में आठ घातक आयुध। अब हम तुम पर अत्यंत घातक वार करेंगे कुमार, अंत तो तुम्हारा निश्चित है। कब तक बचोगे हमारे प्रहार से? कभी तो हमारे प्रहार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। मुझे ध्यान से देखकर वार करना होगा इन पर। बहुत हुआ कुमार, अब तुम्हारी मृत्यु से हम इस क्रीड़ा का अंत करेंगे। योद्धा कभी आयु रोहित नहीं होता पार्वती, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कैलाश जाना है तो हम पहुंचाएंगे, किंतु जीवित नहीं, मृत। बस अब मैं कुमार को अकेले इन तुष्टों से युद्ध करते हुए नहीं देख सकता। मैं चाह रहा हूं उनकी रक्षा करने। रुकिए सूर्यदेव, रुकिए सूर्यदेव, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रणाम नारायण। महानायक है महादेव पुत्र, और एक महानायक को जन्म के पश्चात ही स्वयं को सिद्ध करना होता है। ये कुमार की परीक्षा है, अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता उन्हें है जिन्हें कुमार की क्षमता पर विश्वास नहीं। एक साथ मुझे जकड़ने का प्रयास कितना कठिन हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम सभी एक बार निर्धारित क्यों नहीं कर लेते कि तुम में से कौन मुझे अपनी भुजाओं में जकड़कर मेरा वध करेगा? अर्थात
अरे इतना अनिश्चय जो है तुम्हारे मध्य में, कौन मुझे पकड़ेगा, कौन मेरा वध करेगा, ये निश्चित ही नहीं है। यदि तुम मुझे पकड़ने में सफल हो भी जाते हो तो तुम में से कौन मेरा वध करेगा ये ज्ञात भी है तुम्हें, क्योंकि मुझे अपना आहार तो तुम में से कोई एक ही बना सकता है ना, और वो अधिकार तो उसी का होता है जो सबसे अग्रणी हो और समूह का नायक हो। तो सर्वप्रथम ये निर्धारित कर लो कि तुम में से यहां नेतृत्व कौन कर रहा है। ए, मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम अपने शब्दों के ब्रह्मजाल में हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु इस बार तुम्हारी इस चाल से हम भटकने वाले नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, मैं फंसा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपना नेतृत्व निर्धारित कर लो जिससे भविष्य में कोई दुविधा ना हो और सब कुछ स्पष्ट रहे। इसमें निर्णय क्या लेना है, इस समूह का नायक मैं हूँ। मैं हूँ नायक। मैं हूँ नायक। अच्छा ठीक है शांति। पूर्ण अनिश्चय की स्थिति है तुम्हारे मध्य में। अरे सर्वप्रथम ये निश्चित तो कर लो कि कौन है नायक और कौन मेरा वध करेगा। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। मैं हूं नायक, एकमा सुर तो रहा नहीं, द्विधा सुर तो मैं हूं ना, तो नायक मैं हूं ना। क्यों, तुम क्यों हो गए हमारे नायक, हमारे समूह में सबसे बलशाली मैं हूं, इसलिए इस समूह का अग्रणी मैं ही रहूंगा। कैसा नरगल प्रलाप है ये, बुद्धि तो सर्वाधिक मेरी कुशाग्र है, तो नायक तो मैं ही रहूंगा ना। शांत हो जाओ तुम सभी, मैं नायक हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। मेरी शक्ति के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते, इसलिए तुम्हें मेरा नेतृत्व स्वीकार करना होगा। शक्तिशाली तुम नहीं मैं हूँ। अभी देखता हूँ कैसे हो तुम। यही चाहते थे ना तुम कि हम सब आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर डालें, किंतु ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि अभी मैं शेष हूं। मूर्ख बालक, मैं अकेला ही तुम्हें कुचलकर तुम्हारा वध करूंगा। कहीं ससुर के वध करने के प्रयास में मेरे पुत्र पर ही कोई संकट तो नहीं आ गया, कहाँ गया वो? मेरा पुत्र
अपने मुष्टि प्रहार से उस पर्वत को दो भागों में बांट दिया और फिर उन दोनों भागों को एक मुर्ग और एक मयूर में परिवर्तित कर दिया। दशार्थ, अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें दो ऐसे निर्दोष पक्षियों में परिवर्तित कर दिया जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, इसीलिए आप तुम भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। ईश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रभु, प्रभु, हम दोनों एक शाप के कारण असुर बन गए थे, किंतु अब आपने दशरथ का वध कर हमें उस शाप से मुक्त कर दिया है। प्रभु, इस शाप से मुक्त कर आपने हमारा कल्याण कर दिया, अब आप हमें अपनी शरण में लेने का वरदान दीजिए। उचित है मयूर जी, अब से आप मेरे वाहन बनेंगे, मेरे वाहन बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपना वाहन नियुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। मुझे याद है प्रभु, मैं मयूर के समान सुंदर नहीं, कदाचित इसलिए आपने मुझे सौभाग्य के योग्य नहीं समझा, किंतु मुझे अपनी सेवा है तो कुछ तो आदेश दीजिए प्रभु, मुझ पर भी तो कृपा कीजिए। आज तुम्हारी छवि मेरे पताके पर सदैव अंकित रही, जिससे सदैव तुम्हारा जुड़ाव मुझसे बना रहे। क्या हुआ, क्या तुम प्रसन्न नहीं हुए? नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं, किंतु मात्र मेरी छवि आपके साथ जुड़ेगी, स्वयं मैं नहीं प्रभु। उचित, तो आपके लिए मेरा ये आदेश है कि आज से मुझे और संसार के प्रत्येक जन को भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम बांग देकर उन्हें उनकी निद्रा से उठाओगे। तुम्हारी बांग से सभी जन समय पर नित्य कर्म और संस्कार आदि का पालन करेंगे और इस प्रकार तुम सभी को नित्य धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करोगे। धन्यवाद प्रभु। चलिए मयूर जी, मुझे माँ से भेंट करनी है, पिताश्री के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श करने।
महादेव राजन, अब तो आपको कुमार के सामर्थ्य पर विश्वास हुआ ना? हाँ हाँ नारायण, मैं तो प्रथम दृष्टि में ही कुमार को पहचान गया था, और मुझे पहले से ही ज्ञात था कि कुमार अवश्य तारकासुर का वध करने में समर्थ है, और वही हमें उसके आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे विचार से हम सभी को कैलाश जाना चाहिए और कुमार का अभिवादन करना चाहिए। कुमार ने उन दोनों पक्षियों मयूर और मुर्ग को आसुरी प्रभाव से मुक्त कर उन्हें सकारात्मक दायित्व तो सौंप दिया। हाँ माता, और अब कुमार महादेव और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने कैलाश पहुँच गए। अन्य सभी देवता भी उन युवा महायोद्धा से भेंट करने के लिए आतुर थे जो उन्हें तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले थे, इसलिए वो भी कैलाश पर उपस्थित हुए। माँ, माँ, माँ। तेरा पुत्र। मुझे संबोधित करने के पूर्व तुम्हें प्रथम शब्द उनके लिए कहने होंगे जो दीर्घ समय से तुम्हारे आगमन की आस लगाए हुए हैं। मां, माँ,
प्रभुदेवी, वैसे तो आप जगत जननी हैं, किंतु सत्य ये भी है कि एक माँ ही संतान को जन्म नहीं देती, एक संतान भी एक माँ को जन्म देती है। आपने सत्य कहा स्वामी। पुत्र, आज तुमने मुझे एक माँ बना दिया। माँ, मैं आपसे भेंट कर आपके आंचल की छाया पाने के लिए अधीर हो रहा था। तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया था। इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। और तब तुम्हें 6 शीश भी धारण किए थे, इसीलिए तुम्हें छदानन भी कहा जाएगा। और अनुकूल समय आने पर अपने विराट स्वरूप में तुम 6 हाथ भी प्रकट करोगे। कार्तिकेय अति सुंदर और उपयुक्त नाम है, और तुम मेरी उस ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो जो मुझसे छलक कर सरकंडूप द्वारा धारण की गई। इस कारण तुम्हारा नाम स्कंद भी होगा, स्कंद भी होगा, स्कंद भी होगा। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 और इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती एक पुत्र की माँ भी बनी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय भी अब संसार में स्कंद नाम से भी विख्यात होने वाले थे। और माता का ये रूप स्कंद माता के नाम से प्रख्यात हुआ। कुमार कार्तिकेय को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वो उन्हें देव सेनापति के पद पर स्थापित करने के लिए अत्यंत अधीर थे, जिससे कुमार अविलंब जाकर तारकासुर से युद्ध कर सके। इतने शीघ्र? किंतु अभी तो कुमार अपने माता पिता के पास कैलाश पहुंचे ही थे। माता पार्वती तो देवताओं के इस प्रस्ताव से अवश्य अत्यंत अप्रसन्न हुई होंगी। आपने सर्वथा उचित कहा माता सरल। माता पार्वती अप्रसन्न अवश्य थी, किंतु किसी अन्य कारण से। कुमार कार्तिकेय, कितने वर्षों से हम सभी ने आपके जन्म की प्रतीक्षा की है। मेरे विचार से अब और विलंब उचित नहीं। देव सेनापति पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे स्वीकार कीजिए। महादेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज ही कुमार कार्तिकेय को देव सेनापति के पद का दायित्व सौंपना चाहते हैं। कदापि नहीं।
अनुमति नहीं दूंगी। पूर्व में ही इतना विलंब हो चुका है और यदि माता पार्वती ने आज्ञा देने से अस्वीकार कर दिया तो बहुत समय बीत जाएगा और इतना समय कहाँ है हमारे पास। पार्वती ये क्या कह रही हैं आप, ये तो कार्तिकी की नियति है, आप उसकी नियति में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हैं? आप सभी तो बस तारकासुर का वध चाहते हैं, वो भी मेरे पुत्र के द्वारा, किंतु क्या आप सभी को ये दिखाई नहीं देता कि मेरा पुत्र अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है? इंद्रदेव शेष और कुशल महायोद्धा भी पूर्ण तैयारी और अभ्यास के बाद ही युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और आप बिना किसी तैयारी के मेरे पुत्र को उस क्रूर निर्दय और भयंकर असुर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और तो और अभी मेरे पुत्र के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। किंतु माता हम सभी कुमार कार्तिकेय के युद्ध कौशल और उनकी बुद्धि के सामर्थ्य के साक्षी रह चुके हैं। उन्होंने पंच असुरों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया है। मेरे विचार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए कुमार कार्तिकेय संपूर्ण रूप से तैयार है। इंद्रदेव, क्या कुमार कार्तिकेय आपका पुत्र है? नहीं माता। उचित कहा आपने, कुमार कार्तिकेय आपका नहीं, मेरा पुत्र है। इसीलिए उसकी माँ होने के नाते इसका निर्णय मैं लूंगी कि युद्ध के लिए वो तैयार है अथवा नहीं। और मेरा निर्णय ये है, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करने के लिए अभी देव सेनापति का पद नहीं संभालेगा। किंतु माता, कुमार कार्तिकेय को शिक्षा प्रदान करने वाले उनके गुरु कौन होंगे? इसकी माँ होने के नाते इसकी प्रथम गुरु तो स्वयं मैं हूँ। इसीलिए इसकी प्रथम शिक्षा स्वयं मैं प्रारंभ करूँ। उचित है, कल से पुत्र कार्तिकेय की शिक्षा प्रारंभ। पुत्र, तुम स्नानादि से निवृत्त हो, अपना तन और मन शुद्ध कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पंचाग्नि तप आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। एक ओर जहां कुमार कार्तिकेय माता पार्वती के संरक्षण में कठोर तप कर अपनी शक्ति एवं सिद्धियां अर्जित करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर को जब ज्ञात हुआ कि उनके पंचासुरों का वध कुमार कार्तिकेय ने कर दिया है, तो अब वो स्वयं कुमार कार्तिकेय का सामना करने की ठान लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता के निर्देशानुसार कुमार कार्तिकेय ने संपूर्ण निष्ठा से वहां स्थित लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पंचाग्नि तप और पंचाशर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वो अपने तप में लीन होते गए और उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, वैसे ही दीपक की अग्नि विभक्त होकर उनके चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करने लगी। ये उनके समस्त चक्रों के पूर्ण रूप से जागृत होने का प्रमाण था, जिससे उन्हें आत्मज्ञान का बोध हो। मैं
मैं परम ब्रह्म हूँ। परम ब्रह्म। अब तुम्हें अपना दिव्य वास्तविक परिचय ज्ञात हो। पंचाग्नि तप को सफलता से संपन्न किया और तुम्हारे समस्त चक्रों के जागृत होने से तुम मेरे एवं अन्य सभी की शक्तियां स्वीकार करने में समर्थ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ उसके प्रयोग की विधि का ज्ञान भी प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको अपना वज्र प्रदान करता हूं। मेरा ये वज्र स्वीकार कीजिए कुमार कार्तिकेय। आप जब भी इसका आवाहन करेंगे ये आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। मैं आपका वज्र स्वीकार करता हूं देवराज। तो कुमार कार्तिकेय को अपनी अपार शक्ति का आभास हो ही गया। माता पार्वती ने उन्हें अपनी शक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान किए हैं और हम देवताओं ने भी उन्हें अपने आयुध दिए। तो अब तो वो तारकासुर से युद्ध करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। पुत्र कार्तिक। धन्यवाद माता। अब आज्ञा दीजिए। माता के बाद पुत्र के अगले गुरु उसके पिता होते हैं। मैं तुम्हें जो शिक्षा दे सकती थी दे चुकी। अब तुम्हें अपने पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या कुमार कार्तिक अभी भी युद्ध के लिए नहीं जाएंगे? पिताश्री, मैंने अभी आपके शीश पर कांटों का मुकुट क्यों देखा पिताश्री? पुत्र, तुम्हारी मां से शिक्षा प्राप्त कर स्मार्ग रूप से संपन्न हो चुके हो।
इसलिए मात्र मैं एक ही मूल शिक्षा तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तुम्हें जितनी भी शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग संसार की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और उत्थान के लिए ही करना उचित होगा। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। तो ब्राह्मण देवता, अब तो कुमार कार्तिकेय ने शक्तियां, आयुध्य और ज्ञान सभी प्राप्त कर लिए थे, तो अब तो उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी ना? माता पिता से ज्ञान और शक्ति दोनों अवश्य प्राप्त हुई थी उन्हें, किंतु जब तक वास्तविक गुरु का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो तब तक ज्ञान कहाँ फलित होता है। तो अब कुमार की शिक्षा की पूर्णता के लिए उनके पिताश्री महादेव ने उन्हें अगस्त ऋषि के पास भेजा। ऋषि जहाँ तपोबल के धनी है वही वो युद्ध कला के भी महान ज्ञाता है। मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इस प्रकार माता पार्वती, पिता महादेव एवं गुरुवर ऋषि अगस्त्य से ज्ञान प्राप्त कर कुमार कार्तिकेय अब देव सेनापति पद को संभालने के लिए पूर्णतया तत्पर थे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय के देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की 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 सप्त सिंधुओं और समस्त नदियों के पावन जल से हम कुमार कार्तिकेय का अभिषेक आरंभ करते हैं। आयुष्मान भव पुत्र,
पुत्र, ये मेरे द्वारा प्रदान किया दिव्यास्त्र है, जो तुम्हारे आह्वान करते ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। पुत्र, मैं योद्धा तो नहीं, इसलिए तुम्हें कोई आयुध तो प्रदान नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे लिए एक संपूर्ण सेना अवश्य प्रदान कर सकता हूं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय अब सेनापति पद पर स्थापित हो ही गए हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कुमार, क्योंकि अब तुम्हारा सामना कर तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे। और इस प्रकार महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय देव सेनापति पद पर स्थापित हुए। उनके लिए तो तारकासुर का वध करना बालकों की क्रीड़ा के समान सरल रहा होगा ना? नहीं माँ, तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली त्रिलोक विजेता था, उस असुर का अंत करना इतना सरल नहीं था। इतना कुछ घटित हो गया महाराज, और आप अभी भी निश्चिंत बैठे हैं, यह मेरी समझ के बाहर है महाराज। क्या घटित हो गया जिसके चिंता करनी चाहिए मुझे? यही महाराज, देव सेनापति पद पर स्थापित हुए हैं महादेव और देवी पार्वती के पुत्र, जिनके गर्जन मात्र से कंपित हो उठा था पूरा शोणितपुर, और आपका आत्मसम्मान जो पंचासुरों का अंत कर खंडित किया उन्होंने, उसका क्या? इतना ही नहीं महाराज, उनमें से एक को तो अपना वाहन भी बना लिया उन्होंने। मेरी विनती सुनिए महाराज, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो अवश्य ही यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होंगे। आक्रमण ही तो चाहता हूँ मैं भी, चाहता हूँ कि समस्त देव सेना, देवतागण और वो कुमार कार्तिकेय यहाँ पर धावा बोलने पहुंचे, और मैं उन्हें अपने मायावी नगर शोणितपुर में
ऐसे मायावी जाल में डालो कि मेरे सभी शत्रु एक साथ बंदी बन जाएं। एक ओर जहां तारकासुर युद्ध का आरंभ चाहता था, जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय एवं समस्त देवता उसकी नगरी शौड़ितपुर में आने के लिए विवश हो जाएं, किंतु वही दूसरी ओर देव सभा गहन विचार में लीन थी। गहन विचार? युद्ध के लिए अपनी रणनीति तैयार करने हेतु? नहीं माता, युद्ध नहीं। मेरे विचार से अब हमें तनिक भी विलंब किए बिना ताड़कासुर पर आक्रमण करना चाहिए। देव सेनापति, देवराज इंद्र तो अतिशीघ्र युद्ध चाहते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि इस विषय में आपका क्या विचार है। मैं देवराज इंद्र से असहमत हूं। असहमत दृष्टता क्षमा करें देवराज, किंतु युद्ध कोई बाल्य क्रीड़ा नहीं। युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, किंतु उसका परिणाम सदैव भयंकर जनसंहार ही होता है। प्रत्येक युद्ध के पीछे किसी राजा का अहंकार एवं हठ होता है। एक के हट के कारण अनेकों सैनिकों का विनाश सर्वथा अनुचित है। इसीलिए जब न्याय और धर्म की सत्ता स्थापित करने का कोई और मार्ग शेष न रहे, तभी एक अंतिम उपाय के रूप में युद्ध किया जाना चाहिए। मेरे विचार से हमें युद्ध के पूर्व एक दूत के माध्यम से ताड़कासुर को शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। हमें एक ऐसा दूत भेजना होगा जो शांत और सौम्य व्यक्तित्व का स्वामी है, जिसे देखकर ताड़कासुर आशंकित न हो उठे। इसके लिए तो सर्वथा उपयुक्त होंगे गंधर्व राजकुमार हंसराज। प्रणाम त्रिदेव। मेरे और मेरे समस्त गंधर्व समाज के लिए यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपका दूत बनूं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। असुर राज तारकासुर, हम समस्त देवता आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप त्रिलोक को अपने शासन से मुक्त करें। हमारा ये प्रस्ताव है कि शौनकपुर आपके अधीन रहेगा, किंतु आप देवताओं के किसी कार्य में यज्ञ आदि में कोई बाधा नहीं डालेंगे। स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का स्वतंत्र अधिकार स्थापित होगा, वह आपके अधीन नहीं रहेंगे। स्वर्ग आपके सेना नायकों से रिक्त होगा। समस्त देवताओं को पुनः अपने लोकों का स्वामित्व प्राप्त होगा। यदि आप ये स्वीकार करेंगे तो आपको अभयदान देंगे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अथवा फिर युद्ध ही अंतिम समाधान होगा। असुर राज तारकासुर, मैं आपकी ओर से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए क्या सूचना लेके जाऊं? तुम्हारे देव सेनापति ने मेरे समक्ष कोई उपाय ही कहां छोड़ा है। उचित है तो जाओ और जाकर कह दो अपने देव सेनापति से कि हमारे पास भी उनके लिए एक संदेश है। ये गंधर्व कुमार हंसराज अभी तक तारकासुर का संवाद लेकर लौटे क्यों नहीं? कदाचित कहीं कुछ अनुचित घटित ना हुआ हो। ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? हाँ,
इस असुर पक्षी द्वारा गिराई गई पोटली में भला क्या हो सकता है? ये देवदूत गंधर्व राजकुमार हंसराज अब तक लौटे क्यों नहीं? ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। हाँ, अट्टासुर है ये, तारकासुर का आसुरी पक्षी। किंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ, कहीं ये तारकासुर का दूत बनकर तो नहीं आया? इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? कुमार कार्तिकेय, क्या है इसमें? शांति नहीं, युद्ध ही चाहता है वो तारकासुर। अपने इस कुकृत्य से स्पष्ट कर दिया है उसने। ठीक है, अब युद्ध ही होगा। जय भवपुत्र। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजय भवपुत्र। माँ, आपने मुझे अपना ज्ञान और शक्ति तो प्रदान कर दी, किंतु क्या पुत्र, क्या अभी भी तुम्हें अपूर्णता का आभास हो रहा है? क्या अभी भी तुम्हारी तैयारी में कुछ शेष है? हाँ माँ, ज्ञान और बल व्यक्ति को समर्थ अवश्य बनाते हैं, किंतु उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए पर्याप्त अनुभव भी तो अनिवार्य है ना? वो अनुभव कहाँ है मेरे पास? तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र। अनुभव तो समय के साथ ही प्राप्त होता है, किंतु तुम चिंता मत करो, मेरा अनुभव सदैव तुम्हारा सहायक बनेगा। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र। मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। पुत्र, देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा। जाओ, अपना दायित्व निभाओ। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः सन्
नंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। सेना हमारी नगरी का घेराव कर चुकी है। आपने सर्वथा अनुचित कार्य कर दिया महाराज। उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा था और आपने उन्हें उनके दूत का रक्त रंजित शीश भेज दिया। अनुचित मेरा कार्य नहीं, तुम्हारी सोच है अट्टासुर। जो किया सर्वथा उचित किया मैंने। महानतम त्रिलोक अधिपति तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। युद्ध की अग्नि को और भड़काया है क्योंकि अब देवता वहां आ रहे हैं जहां मैं उन्हें बुलाना चाहता था। मेरे माया में जा, शाणितपुर में आओ, तनिक देखें तो कैसी दिखती है ये देव सेना। ये देवता अकेले आए हैं यहाँ बिना सेना नायक के? देखा कैसे सफल हुई मेरी रणनीति। वो बालक उस दूत का रक्त से लथपथ शीश देखकर भयभीत हो गया। कहाँ है वो महान महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? कहाँ है वो देवताओं का सेनापति? कहाँ है?
पूछ रहे थे ना कि कहाँ है देव सेनापति कार्तिकेय। लीजिए, उनका आगमन हो गया है, जिनका जन्म ही आपका वध करने हेतु हुआ है। वो आ गया है महाराज, वो आ गया है। समय आ गया है जब नष्ट होगी अन्याय की सत्ता। समय आ गया है जब अंत होगा तारकासुर का। समय आ गया है जब न्याय और धर्म की विजय होगी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मयूर जी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे कुछ भूल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज, देव सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो रहा है और वो अपने साथ है भयंकर बावंडर भी लेकर आ रहे हैं, और इस बावंडर में आपका शोणित पुर अवश्य नष्ट हो जाएगा महाराज, अवश्य नष्ट हो जाएगा। महाराज, महाराज, अभी भी समय है, अभी भी संधि कर लीजिए आप, इस विनाशकारी बावंडर को रोक दीजिए महाराज। यदि आपने कुमार कार्तिकेय को नहीं रोका तो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा महाराज, सर्वनाश हो जाएगा। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो डसर। प्रतीत होता है महाराज सुलह के लिए मान गए हैं। कैसी ऊर्जा है?
तारकासुर। रुको, लौट जाओ यहां से। क्यों व्यर्थ युद्ध करना चाहते हो तुम? उससे किसी का क्या लाभ? तो क्या ये तारकासुर आप संधि करना चाहता है? अकारण नरसंहार होगा इस युद्ध में, अनावश्यक। हमें वार्ता करनी चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए और टाल देना चाहिए इस युद्ध को। तारकासुर, हमने तो दूत भेजकर तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, किंतु तुमने बड़ी क्रूरता से उसका वध कर उसका शीश हमें लौटाकर युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग छोड़ा था। तो अब तुम्हारे शांति प्रस्ताव का क्या अर्थ है? उत्तर दो तारकासुर। प्रतीत होता है तुम देश सेना को देखकर भयभीत हो गए। जहां पर मैं स्थित हूं वहां से तो यही दिखाई दे रहा है कि तुम सभी तुच्छ देवता मेरे शोणितपुर में हो। त्रिलोक के स्वामी की राजधानी शोणितपुर में मुझसे निम्न स्थान पर हो तुम सभी और मुझे सम्मान देने के लिए विवश हो, किंतु फिर भी मुझसे इतने बड़े बोल बोल रहे हो कि मैं तार का सुर भयभीत हो गया। लौट जा, बहुत उदार हूं मैं, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जाओ स्वर्ग जाओ और मेरी अधीनता में शांति पूर्वक वहां रहो, क्योंकि तार का सुर क्या करने में समर्थ है ये तो देख ही चुके हो तुम। इसलिए मेरे क्रोध को जागृत मत करो, क्योंकि एक बार मेरा क्रोध यदि मेरे नियंत्रण के बाहर गया, एक बार मैंने अपना ये प्रस्ताव यदि लौटा दिया, तो एक एक करके तुम सभी के शीश तुम्हारे धड़ से विलग करूंगा मैं, समझे? क्यों अट्टा सर, कैसा लगा मेरा दूत तुम्हें? जिसने इन तुच्छ देवताओं को इनकी भावी पराजय का संदेश दिया। ये क्या, महाराज तो देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तार का सुर के शक्ति का परिचय, तार का सुर स्वयं देता है। कहो, आनंद आया ना? मुझे तो आया, बहुत आनंद आया। इन भैरू देवताओं का अपमान करके, उन्हें नीचा दिखा के, ये बता के कि वो मेरे समक्ष तुच्छ और नगण्य है। गिद्धों का समूह कितना भी विशाल क्यों ना हो, सिंह से कभी युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए युद्ध हुआ तो तुम में से किसी को भी शेष रहने का अवसर नहीं दूंगा। जाओ, अब जाओ यहां से। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
क्या कर दिया मैंने? कुमार कार्तिकेय ये समझ चुके थे कि देव सेनापति होने के नाते उनसे एक बहुत भारी भूल हो चुकी थी। भूल? कैसी भूल ब्राह्मण देवता?